देवा के गांव पर जवानों ने कब्जा किया है। पूर्ववर्ती में जवानों ने नया कैंप खोला और एसपी किरण चौहान ने खुद रहकर कैंप खुलवाया है। नक्सली कमांडर हिड़मा पर 25 लाख का इनाम है। इनामी नक्सली देवा पर 10 लाख का इनाम घोषित है और ऐसे में इन्हीं के इलाकों में जवानों ने कैंप खोल दिए हैं। बीते दिन एक सकारात्मक खबर नक्सलियों की तरफ से जो आई थी वो ये कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें हैं उनकी, उनको ही मानना होगा, जिसके बाद वो अपनी बात रखेंगे। अब उसके बाद एक बड़ी खबर और बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं जवानों के लिए कि दो बड़े ऐसे मोस्ट वांटेड नक्सली जिन पर इनाम घोषित है, उनके इलाके में जवानों ने कैंप सेट कर दिया है। इनामी नक्सली देवा पर 10 लाख है घोषित। सुकमा में जवानों की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। नक्सली कमांडर के गांव पर ही जवानों ने कब्जा कर लिया और नक्सली कमांडर हिड़मा देवा के गांव पर नक्सलियों के ही इलाकों में जवानों ने कैंप लगाए हैं। सुकमा में वो मुठभेड़ आपको याद होगी जब 3 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद कहा गया था कि जवानों की शहादत को गवाया नहीं जाएगा बल्कि उसका पूरा बदला लिया जाएगा, जिसके बाद से ही लगातार जवान इस इलाके में सतर्क है। सतीश चांडक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, बीते समय में सुकमा में जो कुछ मुठभेड़ हुए थे, जब भी मुठभेड़ हुए तो एक लॉस यहाँ पर जवानों का देखने को मिला, तो वहीं मुंहतोड़ जवाब भी जवानों ने दिया है, लेकिन अब ये बहुत बड़ी बात जो दो मोस्ट वांटेड ऐसे नक्सली उनके ही गांव में सेना के जवानों ने कैंप लगा दिया। जी, आपको बता दूं कि जो पूर्ति गांव है भले ही बोलने में और सुनने में बड़ा छोटा सा नाम है, लेकिन उतना ही खतरनाक है। और खतरनाक इसलिए है कि नक्सलियों के जो बटालियन है उसको लीड जो हिड़मा मोस्ट वांटेड है, हिड़मा के पेपर जो है 25 लाख का इनाम सरकार ने घोषित किया है और हिड़मा करीब 27 घटनाओं में शामिल रहा, जिसमें प्रमुख घटना थी 76 जवान शहीद हुए थे सुकमा जिले में। और इसके साथ साथ कई ऐसी घटना है जिसमें भूकापाली घटना का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें 24 जवान शहीद हुए थे, ऐसी 37 घटनाएं जो उनपे दर्ज है। और इसके अलावा जो है देवा भी पूर्ति गाँव पे ही है, हाल में ही एक गोली की घटना हुई थी जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। दोनों के गाँव पे जवानों का कब्जा ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जवानों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि वहाँ पे जाना जवान जाने से जब एक समय था कि जवान डरते थे, लेकिन आज गांव में जाके ना सिर्फ वहां पर जवान है बल्कि उन्होंने कैंप स्थापित कर दिया। और कल वहां पे एसपी किरण चौहान जो है तिरंगा फहराएंगे, आजादी के बाद पहली बार जो है सोची में तिरंगा लहराएगा। कल एसपी वहां पर मौजूद रहेंगे किरण चौहान और सीआरपीएफ के डीआईजी है अरविंद राय, वो वहां पर मौजूद रहेंगे और एडिशनल एसपी वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम जो है वहां पर सीआरपीएफ डीआईजी और कोबरा के जवान वहां भेजे गए। आपको बता दूं कि लगातार जब से सरकार बनी है विष्णु देव साय ने निर्देश दिए हैं कि नक्सलियों के खिलाफ जो है आक्रामक रणनीति अपनाई जा रही है, लगातार कैंप खुल रहे हैं और लगातार जो है मुठभेड़ हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जवान आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बीच में जो है एक नक्सलियों का प्रेस नोट कल जारी होता है और शांति वार्ता की बात करता है, लेकिन वो सब रखते हैं कि सतीश बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सरकार से बातचीत के लिए नक्सली तैयार हो गए हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर नक्सलियों ने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने शर्त से बातचीत की हामी भरी है। नक्सल संगठन सरकार से सशर्त बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। डिप्टी सीएम ने नक्सलियों को बातचीत का प्रस्ताव दिया था जिस पर उन्होंने जवाब दिया है। नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने खुले तौर पर बातचीत के लिए हामी भरी है। उन्होंने बातचीत के लिए उचित वातावरण बनाने की भी मांग रखी है। नक्सलियों ने कहा है कि सरकार 6 महीने तक ऑपरेशन बंद कर दें, जवानों को कैंप और थानों में ही रखें और निर्दोषों की हत्या करना बंद करें, नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। वहीं नक्सलियों से बातचीत को लेकर बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि बातचीत से हल निकल सकता है तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास नक्सलियों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है, बीजेपी की सरकार आते ही नक्सली घटनाएं बढ़ी है। यदि वार्ता से हल निकल सकता है तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये वार्ता करने की बात करते हैं और बीच में वार्ता तोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने नक्सलियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, आज नक्सली संगठनों ने कुछ शर्तें सरकार के सामने रखी है
क्या राज्य सरकार उन शर्तों को मानने तैयार है? कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया गया था। गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जा रहा था, विकास पहुंचाया जा रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद बीते 2 महीने में जिस प्रकार से नक्सली गतिविधियां बढ़ी है, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पास नक्सलवाद को खात्मे के लिए स्पष्ट नीति नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा लगातार नक्सलियों से बातचीत करने की बात कह रहे थे। नक्सलियों से बातचीत के लिए सरकार ने हाथ बढ़ाया था, अब नक्सली भी सरकार से बातचीत करने को राजी हो गए हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी की प्रवक्ता और नक्सली लीडर विकल्प ने प्रेस नोट जारी किया है और सरकार के सामने बातचीत के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नक्सली मामलों के जानकार